दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अभी हाल में ही पोको M6 Pro लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा बॉक्स वगैरह भी यहीं पे पड़ा हुआ है। अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी है, सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका नया फ़ोन होता है उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को वाईफाई से या फिर अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर लेना है, और सबसे पहले फ़ोन को क्या करना है, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से क्या होगा, जो भी नया फीचर्स रहेगा, जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और जो भी कुछ बग्स वगैरह जो पहले से होते हैं, वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाता है। कैसे आप अपने नए पोको M6 Pro 5G को कैसे अपडेट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से स्वाइप करना है, और स्वाइप करने के बाद आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा अबाउट फोन में, यहाँ पे देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इसको अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक कर रहा है कि कोई यहाँ पे अपडेट है या नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो हमारा मोबाइल फोन यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन अपडेट इज अवेलेबल, यहाँ पे MIUI जो 14 है हमारा, इसमें जो अपडेट है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड अपडेट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पे कह रहा है कि इसे डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नेटवर्क या फिर वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, हम इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और 1% करके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे हमारा इंटरनेट पूरा स्पीड होना चाहिए, और जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करो तो ये आप ध्यान देना कि आपका जो बैटरी हो वो पूरा फुल चार्ज हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो बैटरी है वो 70% पूरा चार्ज है। ठीक है, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करें तो ये चेक कर लें कि हमारा बैटरी पूरा चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6% हमारे यहाँ पे अपडेट डाउनलोड हो चुका है, तो इसका हम 100% होने का वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 100% डाउनलोडिंग हो चुका था, अब हमारा ये अपडेटिंग ले रहा है। तो अपडेटिंग यहाँ पे देख सकते हो 13% हमारा अपडेटिंग भी हो चुका है, तो इसको अभी हम 100% होने का वेट करेंगे। तो पूरा कैसे अपडेट करना है, क्या कुछ करना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा अपडेट हो रहा था वो भी हमारा पूरा अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंक कर रहे हैं जितने जो भी फाइल हमने डाउनलोड करी हैं, जो भी हमारा अपडेटेड डाउनलोड करा है, उस सारी फाइल्स को भी यहाँ पे सिंक किया जा रहा है। तो वो हमारा 44% हमारा सिंक भी हो चुका है, तो अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे और वेट करना होगा। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वो भी कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है रिपोर्ट नाउ का, तो रिपोर्ट नाउ करेंगे तो हमारा फोन जो है वो अभी रिस्टार्ट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे रिपोर्ट नाउ कर देते हैं। तो मैंने रिपोर्ट नाउ कर दिया है, और आप देख सकते हो हमारा फोन यहाँ पे रिस्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना होगा, और फाइनली हमारा फोन जब रिस्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोन यहाँ पे अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हो फाइनली हमारा फोन रिस्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम इसको लॉक को खोल लेते हैं, तो लॉक हमने खोल लिया है, तो अभी हमारा फोन जो है पूरा अपडेट हुआ है। अभी भी थोड़ा अपडेटिंग का प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा, ऊपर में एक सेटिंग का आइकन आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग सिस्टम अपडेट। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ अभी भी कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा न्यू फ़ोन है, तो आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं तो। ठीक है, और अपडेट करने में पेशेंस बना के रखना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट MIUI सक्सेसफुली, और यहाँ पे कुछ हमारा फिनिशिंग सिस्टम अपडेट ले रहा है। तो हमारा जो MIUI जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा अपडेट हो चुका है। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ, तो व्हाट्स न्यू अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पास टू अगस्त 2023 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो हमारा अपडेट हुआ है उसके अंदर हमारा जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच है वो हमारा अपडेट हो चुका है एकदम लेटेस्ट, अगस्त 2023 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो जो हमारा सिस्टम का सिक्योरिटी है उसको पूरा इंक्रीज कर दिया गया, उसको पूरा अपडेट कर दिया इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना।